दोस्तों, जादू देखना किसे पसंद नहीं, लेकिन क्या आपने कभी इनके पीछे की सच्चाई को जानने की कोशिश की है? आज हम आपको ऐसे ही कुछ जादू के ट्रिक्स और सीक्रेट रिवील करेंगे, तो बने रहिए वीडियो में एंड तक। और अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक का बटन जरूर से दबा लेना। नंबर 1, द अपीयरिंग बियर ट्रिक। टॉम चेम्बर एक बेहतरीन मैजिशियन है जिनके मैजिक के बारे में बहुत कम लोगों को ही पता है, लेकिन आज हम आपको इनके एक मैजिक ट्रिक के बारे में बताएंगे जिन्होंने अमेरिका के गॉट टैलेंट में परफॉर्म किया था और अपने इस परफॉर्मेंस से सबको हैरान कर दिया था। इसमें उन्होंने ऑडियंस को एक पेपर का बैग दिखाया जो पूरी तरह से खाली था, जिसमें उन्होंने हाथ डाल के बियर के बोतल को निकाला और देखते ही देखते उन्होंने उस बैग से कई सारा बोतल्स को निकाला। फिर उन्होंने एक छोटी सी बोतल को निकाला और उसे अपनी जादू के मदद से बड़ी बोतल में बदल दिया। अब बात करते हैं इस ट्रिक के सबसे हैरान करने वाली मैजिक। वो अपने शूज को उतारा और उसमें से एक एक बियर से भरे गिलास को निकाल कर दिखाते। अब बात करते हैं आखिर उन्होंने ये किया कैसे, क्या ये हाथों का कमाल है, आइए जानते हैं। सबसे पहले स्टेज पे रखे इस टेबल के बिना इस ट्रिक को परफॉर्म करना पॉसिबल नहीं है। इस टेबल में अंदर से खाली स्पेस है जहां पर बियर के बोतल्स को रखा जा सकता है जो कि बाहर से दिखाई नहीं देता, और कुछ बोतल्स अपने जैकेट में छुपा कर रखा था और अपने स्किल के मदद से एक एक करके उन बोतल्स को बाहर निकाल रहा था। अब उन छोटी बोतल को बड़ी बोतल में कैसे बदला, आप ध्यान से देखो तो आपको समझ आ जाएगा। उसने बड़े ही चालाकी से अपने लेफ्ट साइड पॉकेट से एक बोतल को निकाला और ऑडियंस का ध्यान उस बॉक्स पर बनाए रखा और ऐसे ही बियर के छोटी सी बोतल को बड़ी बोतल में बदल दिया। नंबर 2, डेविड कॉपरफील्ड डेथ शो। हिस्ट्री के सबसे खतरनाक जादूगर जिसने अपने जादू से सबको हैरान कर दिया, और इस शो में उन्होंने जायंट कटिंग मशीन की मदद से अपने शरीर को दो हिस्सों में काट दिया। उन्होंने इस ट्रिक को इतनी सफाई से किया कि कम से कम देखने वालों को तो यही लगा कि सच में उन्होंने अपने आप को दो हिस्सों में काट दिया। लेकिन आज हम जानेंगे आखिर उन्होंने इस ट्रिक को कैसे परफॉर्म किया। दरअसल इस शो में मैजिशियन अकेला नहीं था, उसके साथ था उसका असिस्टेंट जिसके कमर का हिस्सा पूरा नीचे था और दोनों के बॉडी को इस कदर अलाइन किया गया था जिसमें कि वो एक ही आदमी का शरीर हो, और ये सब इस टेबल के वजह से संभव हो पाया जिसमें टेबल को इस तरह डिजाइन किया गया था जिसमें इंसान का आधा शरीर आराम से फिट हो सकता था, और टेबल के बीच में इतनी सी दूरी रखी गई जिसमें ब्लेड एकदम अंदर तक जा सके। जादूगर के ऊपर का बॉडी आगे था और पीछे का हिस्सा असिस्टेंट का, और इस तरह जादूगर ने इस ट्रिक को बहुत ही चतुराई के साथ पूरा किया। नंबर 3, जेम्स मोर्स स्वॉर्ड स्टेबलिंग। जेम्स मोर ने ब्रिटेन गॉट टैलेंट में एक शानदार स्वॉर्ड ट्रिक किया जिसमें उन्होंने तलवार के नोक में अपने आप को बैलेंस किया जो बाद में उनके शरीर का आर पार हो गया। इसमें पहले उनको दो लोग तलवार के नोक पर रखते हैं और कुछ ही सेकंड बाद वो तलवार उनके शरीर के आर पार हो जाती है, जिसे देखकर ऑडियंस हैरान परेशान हो जाती है, जिसके बाद उन्हें दोनों असिस्टेंट भागते हुए आते हैं और उन्हें नीचे उतारते हैं। और ये क्या, वो तो बिल्कुल ठीक है, वहाँ मौजूद किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था आखिर ये क्या कैसे। तो दोस्तों ये रहा सीक्रेट। दरअसल दोस्तों जेम्स ने कपड़ों के अंदर बेल्ट की तरह एक सपोर्ट पहना था जिसके बीच में एक ऐसा स्लॉट था, जब उनके असिस्टेंट ने उनको तलवार के नोक पर रखा जो इस तरह डिजाइन था कि पुश करने से धार वाला हिस्सा अंदर को चला जाता है और जादूगर के बेल्ट में बने स्लॉट में फिट हो जाता है, और इसी वजह से जादूगर स्वॉर्ड के मदद से अपने आप को हवा में बैलेंस कर पाया और इसी समय तलवार उनके आर पार हो जाती है, जो दरअसल फेक डिवाइस था जो बेल्ट के ऊपर के हिस्से में लगा था, और उसका बाहर की तरफ निकलने से ऐसा इल्यूजन पैदा हुआ कि जिसमें तलवार जादूगर के आर पार हो गया। नंबर 4, रिचर्ड जॉन्स कार्ड ट्रिक। रिचर्ड ब्रिटेन गॉट टैलेंट के विनिंग कॉन्टेस्टेंट है, उन्होंने अपने फाइनल एक्ट में एक कार्ड ट्रिक की जिसमे उन्होंने जज अमंदा का सिग्नेचर किया हुआ कार्ड पहले फाड़ा, फिर उन पीसेस को जलाने के बाद कार्ड को वापस उसी कंडीशन में ले आए, फटे हुए कार्ड को वापस जोड़ दिया। लेकिन कैसे, दरअसल जिस कार्ड पर उन्होंने सिग्नेचर किया उसके नीचे एक और कार्ड था जो कि आपस में जुड़ा हुआ था। अगर आप ध्यान से देखोगे तो उन्होंने पहले दो कार्ड को हाफ में फोल्ड किया लेकिन सिर्फ ऊपर वाले एक कार्ड को ही खोला, अंदर वाला
सिग्नेचर कार्ड अभी भी हाफ फोल्ड है और फिर उन्होंने साइड से कार्ड को फोल्ड किया और खोला सिर्फ ऊपर वाले कार्ड, जिसमें सिग्नेचर वाला कार्ड फोल्ड होकर एक कोनर में चला गया। जिसके बाद उन्होंने कार्ड के टुकड़े किए। फटे हुए 3 टुकड़े को उन्होंने बड़े चालाकी से अपने राइट हैंड में ले लिया और ओरिजिनल सिग्नेचर कार्ड और एक फटे हुए कार्ड को अपने लेफ्ट हैंड में ही रखा। लाइटर निकालने के बहाने में फटे हुए 3 कार्ड को अपने जैकेट में डाल लिया और बड़े चालाकी से साइन कार्ड के साथ जो फटा हुआ टुकड़ा था उसे जलाया और एक्चुअल साइन कार्ड को खोल दिया।